इस्तकबाल करें मिश्रा जी का। बस दो बातें और कह दूं, खत्म करता हूं मैं। अभी ऐलान किया है कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बना दीजिए मुल्क का। यही कहा है ना, यही कहा है ना कि मुझे 5 साल के लिए चौकीदार बना दीजिए। अरे नादान, गुजरात का चौकीदार बनाया था तो कत्ले आम करवा दिया, अब भारत का चौकीदार बन के क्या करवाना चाहता है भारत में? ये भारत हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई का एक गुलदस्ता है, उसे सिर्फ महाबल मिश्रा जैसे बहादुर लोग ही बरकरार रख सकते हैं, मोदी जैसे लोग नहीं रख सकते। और अब आपकी तरफ से मैं मिश्रा जी को जीत की मुबारकबाद दूं या आप देंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि हमने पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जायजा लिया है। और मिश्रा जी को आज बता दूं कि मिश्रा जी आपको मुबारक हो, 16 तारीख को रिजल्ट देख लेना, जब रिजल्ट आए तो पिछले मरतबा तो 1,60,000 वोट पे जीत हुई थी, अब की बात 3 लाख से ऊपर की जीत होगी। जिंदाबाद। अब मैं आप लोगों से इतनी गुजारिश करूंगा कि एक टीवी पर आजकल ऐड आ रहा है, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, लोग कह रहे हैं मैं भाग गया हूँ। अरे भागा नहीं है, दिल्ली की पब्लिक ने भगा दिया। भागा नहीं है, जितना बड़ा छल तूने दिल्ली की जनता के साथ किया है, अब यहाँ तेरे जैसे प्रेमियों की नहीं, महाबल मिश्रा जैसे मेहनती लोगों की जरूरत है। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा लोगों को नहीं, सिर्फ एक आदमी जिम्मेदारी ले ले कि 10 आदमी की वो जिम्मेदारी देगा और 10 आदमी से एक आदमी बात करेगा कि तुम्हें महाबल मिश्रा को वोट देना। अब नारा लगाइए, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, महाबल मिश्रा, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हमारा नेता कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो, हमारा रहबर कैसा हो, रहबर कैसा हो कि हम मुसलमान हैं और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे। मिश्रा जी एक बात आपको बता दूं, हमारे यहाँ आज से 1400 साल पहले एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे जिनका नाम फारूक आजम है। उन्होंने जब एक आदमी को एक मुल्क का गवर्नर बनाया था तो ये कहा था कि गवर्नर वो होता है जिसका दरवाजा पब्लिक के लिए 24 घंटा खुला रहे। मैंने उस तारीख को पढ़ा और पढ़ने के बाद ये देखा कि मुझे लग रहा है कि आपने भी कहीं वो तारीख पढ़ी होगी जो आपने अपने दरवाजे पर किसी चौकीदार को नहीं रखा है। हमारा रहबर ऐसा ही होना चाहिए। हमारी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप फैसला कर लीजिए, 2 दिन का वक्त है, तन्हाई में सोचिए। और मैं तो ये कहता हूँ, यतीम उसको कहते हैं जिसका बाप मर जाता है, जिसकी माँ मर जाती है, अनाथ उसको कहते हैं जिसके बाप नहीं होता है, माँ नहीं होता है। और मैं आज एक मुसलमान होके, एक हिंदुस्तान का सच्चा वफादार होके ये बात कह के जा रहा हूँ, अगर महाबल मिश्रा के साथ धोखा हो गया तो ये पूरा इलाका यतीम हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। इस इलाके को अनाथ होने से बचाइए और मिश्रा जी जिंदाबाद का नारा लगा के कहिए, मिश्रा जी आपको मुबारक हो, आप दूसरी मरतबा सांसद बन के हमारे साथ, हमारे लिए आप संसद में आवाज उठाएंगे। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। और सिर्फ इतना कहेंगे कि एक लिफाफे में हयात और अजल भेजी है, भूखे इंसानों की खातिर से कल भेजी है, अब देखना है। इसे पढ़ते हैं कि खाते हैं गरीब, हमने रोटी पे उन्हें लिख के गजल भेजी है।